आज का रेसिपी है डोसा सांबर का। देखिए पूरा प्रोसेस। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले चावल लेना है और 2 कटोरी चावल में आधा कटोरी उड़द दाल देना है और आधा चम्मच मेथी देना है। इसको फूलने के लिए दे देना। देखिए फूल चुका है। अब इसको पीसने के प्रोसेस में है। अब इसको हम सबको पीस लेंगे। देखिए फूल के इस तरह हो जाता है। देखिए ये इसको पीस दिए हैं। देखिए पीसने के बाद ये किस तरह हो जाता है। इसको हम 2-3 घंटा के लिए छोड़ देंगे। इसको 2-3 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद मसाला वाला आलू बना लेते हैं डोसा भरने के लिए। और इसको हम रख देते हैं। देखिए इस तरह हो गया। पीस दिए इसको। सबसे पहले छोंक दे दिए हैं। थोड़ा दाल दे दिए हैं और करी पत्ता प्याज इसको पका लेंगे। उसमें आलू डाल देंगे। छोंक पंचनाग डाल दिए थे। आलू डाल दिए। इसमें जो दिली मसाला है हल्दी मिर्ची धनिया जितना तीखा आपको बनाना है आलू वही तीखा हिसाब से बना सकते हैं। और नहीं तो सिंपल बना सिंपल वाला आलू बना सकते हैं। जो मसाला डालना है डाल कर बना सकते हैं। हम डोसा भरने के लिए देखिए आलू बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए आलू बन के तैयार हो गया है। अब चलिए डोसा बनाने का प्रोसेस में। सबसे पहले तवा गर्म कर दीजिए। आपके पास डोसा वाला तवा होगा उसमें ले जिसमें अब एक कोई करची से उसमें एक करची डाल दीजिएगा डोसा का पेस्ट। और उसके बाद उसको कोई भी बर्तन है उससे आप गोल घुमा कर जितना बड़ा बनाना उस बनाने का जिसे देख रहे हैं उसी तरह आपको घुमा घुमा कर बना लेना है। देखिए जिस तरह बना रहे हैं उसी तरह सेम करना है लेकर। और डोसा का तवा होगा तो उससे अच्छा बनता है। और जब से नीचा से हो जाए तो ऊपर से मसाला आलू है उसको उस पर लगा देना है पूरा पूरा। और नीचा में एकदम क्रिस्पी होने तक इसको पूरा देख लेना है पूरा क्रिस्पी हुआ नहीं है। उसके बाद उसको डोसा जिसे उसको कर देना है मोड़ देना है। आपको चेक कर रहे हैं क्रिस्पी हुआ कि नहीं हुआ है। बहुत इस तरह खाने में आप लोग जरूर बना खाइएगा। देखिए इसको अब हो गया है क्रिस्पी। इसको मोड़ के इसको डोसा जिसे बना लेते हैं। और इडली जिस तरह इडली का पेस्ट होगा उसी तरह डोसा का भी बनता है चावल से। देखिए बनकर तैयार हो गया है। अच्छा लगे तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो आप लोग बना खाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर बना खाइएगा।